या फिर उपचुनाव यदि होने तो स्वाभाविक रूप से अब पार्टी की बैठक थी, बैठक में तमाम तरह की चर्चा हुई संगठन को मजबूत करने के लिए, सरकार को मजबूत करने के लिए, और उसके बाद आने वाले समय में जो चुनाव है उसकी तैयारी के लिए भी बातचीत हुई है। और विधानसभा का 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में फिर से बने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो जो चीज़ें करने की जरूरत होगी उन सारी चीज़ों को करने पर विचार करेंगे। सर, विशाल नैहरिया के मामले में कैसे, अभी FIR दर्ज नहीं हुई है, क्या स्टेटस है सर इस पे? अभी मैं आपसे यही जानकारी ले रहा हूँ इस बात की। मैं जरूर है कि एक दुखद घटना है और मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ अभी बीच में उसमें पारिवारिक मसला है, इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और उस दृष्टि से दोनों आपस में क्या विचार कर रहे हैं मौका देना चाहिए। सर, तो कुल्लू में जो घटना हुई है, इस तरह की ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर सर क्या रहेगा और ऐसे घटनाओं में सख्त कार्रवाई जो है वो भी बनती है? देखिए, जो एविडेंसेस के आधार पर जो हमको जानकारी सामने दिखी है उसके आधार पर हमने कार्रवाई कर दी है, उसके बाद फिर और चीज़ों को लेकर के जो करने की जरूरत होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है जो घटना घटित। सर, ITS के मामले में सर क्या MHA को भी इस बारे में बताया जाएगा? थैंक यू, प्लीज थैंक यू।